क्या पढ़ रहे थे? आज कंजम्पशन फंक्शन सर। पढ़ेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन। यस नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट पहले मल्टीप्लाई, तब इन्वेस्टमेंट प्लाई। कंजम्पशन यस फंक्शन का संबंध मल्टीप्लायर से है। यस सर। आज का टॉपिक का नाम है मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू
निकालिए तो सर तो 0.02% हो जाएगा, कितना हुआ 0.02 सर। ये कितना हुआ सर 0.02%? कैसे बनाई हो? 1/50 करके। 1/1/50 कितना? 50% सर एनपीएस का। परसेंट में क्या लिख? 1/50 सर। 50% का मतलब कितना होता है? आधा, हाफ। 50/100 यस सर, तब तो 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो। 50 थोड़ी बोला, 50% है। 50% मतलब 50/100, 60% मतलब 60/100। K is equal to 1/MPS equal to 1/50/100। हंड्रेड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। 100/50 बात करो। यस सर। अब तुमको निकालना है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, इसे को कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेल, और ये हो गया मल्टीप्लाई। तो सेविंग अगर 50% है, मल्टीप्लायर हो गया 2। अगर सेविंग जो है 10% है, 80% है, 100% है, तो निकालो के कितना होगा। सर 10% में 10 होगा और 50% में 2, 80% में 1/25 और 100% में 1। 100% में 1। एट्टी में 1.25। एट्टी में कितना हुआ? 1.25। 1.25 यस सर। 10 में 10
when marginal propensity to save increases, size of multiplier decreases. There is inverse relationship. It means MPS and K. MPS increases. I of K clear about that? Yes, दूसरा इक्वेशन है उसको डिवाइड कर दो डेल्टा वाई से, दूसरा इक्वेशन हो गया ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा कट के वन हो गया, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई अब ये स्टार को लेफ्ट में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा. Yes, sir. One minus delta C by delta Y equal to ho jayega delta S by delta Y.
डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू फाइंडिंग, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी. तो क्या हो जाएगा वन माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपी. Therefore, MPC plus MPS equal to 1. Clear? Yes, yes, sir. Sir. Question is that MPC plus MPS is always equal to 1. Prove that. Very much. तो नहीं पढ़े रहेगा क्लेम्से में नहीं सिलेबस में कंजम्पशन फंक्शन आप पढ़ रहे हैं क्या ही यही था है कंजम्पशन फंक्शन में ही उसका ऊपर वाला हिस्सा सेविंग है नीचे वाला कंजम्पशन इसलिए सर सर एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछो है व्हाट इज एमपीसी सर मार्जिनल सर तो इसमें सर ये सब लिख देंगे एमपीसी है ना पूरा हाँ तो सर डिफाइन करके पूरा इक्वेशन लिखना होगा सर व्हाट इज एमपीसी इतना देगा उसका इतना बात आप लिखे सारा इक्वेशन उसे एमपीसी जो है ऑलवेज वन माइनस पीसी होता है एमपीएस के बराबर वन माइनस एमपीसी इक्वल टू वन. व्हाट इज एमपीसी marginal propensity to consume is the increment in consumption. Increment in consumption with the delta C. When there is the increment
थीटा थीटा वाई अगेन सिटी जो this is always equal to delta C by delta V. What is average propensity to consume. Psi y equal to average propensity. Delta C by delta y. Marginal propensity. Marginal propensity to consume. The ratio between consumption and income. Average propensity to consume. Average propensity to consume. Average propensity to consume. The ratio of consumption and income. Marginal propensity to consume the rate of change consumption and income spending.
भी है। यस सर। यस सर। डेल्टा सी कितना है निधि? हंड्रेड सर। डेल्टा सी कितना है डायग्राम? हंड्रेड। 200 क्या है? कंजम्पशन है सर। जब इनकम 500 होगा सर तुमको बताना है कि भाई वाई कितना है। जीरो पॉइंट फोर होगा। कितना हुआ? पॉइंट फोर से। और डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई कितना हुआ?
0.25 सर। डेल्टा वाई कितना है? 400 है। यस सर। और डेल्टा सी कितना है? 100 है सर। हंड्रेड बाई 400। 400 कितना हो गया? 0.25 सर। 0.25। 0.25। यस सर। तो ये सारा बात लिखना होगा उसमें, जो अभी क्वेश्चन तो पूछे थे, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यस सर। फास्ट स्पीड रहेगा, जितना बात बताए हैं ये व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यस सर। क्या सॉल्व, और वो याद करके आना है। यस सर। यस सर। जो एट मोटिव्स ऑफ कंजम्पशन। सर अभी क्लास होगा ना इसके बाद? क्लास अब आपका थोड़ी देर में लॉग इन करेंगे। यस सर। दो बजे से है ना? यस सर। यस सर। दो बजे लॉग इन, ठीक है? दो बजे इंटर कीजिए फिर।